हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम बात करेंगे SSW लाइन की, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग की, जहां पर आप नट की वेल्डिंग करते हैं या आप सीट टू सीट वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, उसमें जब आप चेकिंग पॉइंट पे चेक करते हैं, यानी कि अपनी पार्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो आपके क्या क्या चेक पॉइंट होने चाहिए और आप उन चेक पॉइंट को कैसे आप डिफाइन करेंगे और SSW लाइन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि आप अपने पार्ट की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर मेंशन किया मारुए स्टेशन ऑडिट। ओके, मारुए स्टेशन का मतलब होता है जहां पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो वहां पर अगर आप ऑडिट करने जाते हैं, यानी कि चेक पॉइंट, अपने जो पॉइंट है वहां पर आप चेक करने जाते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहले आपको पार्ट का नेम, पार्ट का नंबर, मॉडल क्या चल रहा है, वेंडर क्या है, आपको किसको सप्लाई करनी है, ठीक है, उसका डेट, ठीक है, डेट डालने के बाद फिर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि चेक पॉइंट है, क्राइटेरिया है, ठीक है, यानी कि चेक पॉइंट एक क्राइटेरिया है, और फिर उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्वेशन देनी है कि क्या क्या देनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट की कंडीशन, पार्ट की कंडीशन कैसे बेहतर हो सकती है। उसके लिए आपको जो है सबसे पहले सही करना है क्या कि नगेट डाया, नगेट डाया, जैसा कि आप जब स्पॉट वेल्डिंग लगाते हैं तो उसपे क्या चीजें होती है कि दो सीटें आपस में ज्वाइंट होती हैं, तब जब आप नगेट डाया वेरीफाई करेंगे तो बेस मटेरियल शुड टियर ऑफ, यानी कि जो आपका बेस मटेरियल हो उखड़ के बाहर आ जाना चाहिए, और नगेट डाया आपका स्पेक जो होता है, यानी कि 400T या 500T, जैसे डिपेंड करता है आपका स्टेशन मारुए है और या आप क्लास बी के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जिस सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप जो है वो नगेट का डाया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एज पर रिक्वायरमेंट या सेस जो आप वहां पर फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आपका नगेट डाया होना चाहिए। ठीक है, स्पॉट की पिच सही होनी चाहिए एज पर ड्राइंग, जैसे कि आपके ड्राइंग पे मेंशन है उस हिसाब से स्पॉट की पिच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम नट स्ट्रेंथ। नट स्ट्रेंथ में आप जो है वो UTM से भी वेरीफाई कर सकते हैं, टॉर्क से भी वेरीफाई कर सकते हैं, या आपके ड्राइंग पे रिक्वायरमेंट कितनी है वो आप जैसे M6, M8, M10 के हिसाब से आप नट की स्ट्रेंथ को UTM या आप टॉर्शन से वेरीफाई कर सकते हैं, और एज पर ड्राइंग रिक्वायरमेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, अब हम बात करेंगे वेल्डिंग फिक्चर की। ठीक है, तो वेल्डिंग फिक्चर में क्या क्या चीजें जो हैं वो आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। तो वेल्डिंग फिक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि हमारा गैप विथ माइलर, जो माइलर लगे होते हैं जो पार्ट को रेस्टिंग होती है। ठीक है, तो गैप विथ माइलर जो है वो शुड नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, यानी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉलिंग विथ गन, जो आपको स्पॉट लगाता है गन, उसमें फॉलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉलिंग होगी तो अंडुलेशन आएगा और स्पॉट जो है सही से नहीं लगेगा। पिन की कंडीशन की अगर हम बात करें, जहां पर पिन है, ठीक है, तो यानी कि नट को गाइड करने के लिए, तो पिन जो है वो बियर आउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि अगर नट पिन जो है बियर आउट होगी तो नट आउट लग जाएगा। ठीक है, PY सेंसर शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, जो PY सेंसर होता है, यानी कि अगर हम बात करें पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए, वो प्रॉपर वे में काम करना चाहिए। इंटरलॉकिंग स्पॉट जो काउंटर होते हैं उनके लिए इंटरलॉकिंग मस्ट है, क्योंकि अगर हम मान लें किसी पार्ट में 3 स्पॉट या 4 स्पॉट लग रहे हैं, तो वहां पर इंटरलॉकिंग की हेल्प से आप उन स्पॉट को बिल्कुल फ्रिक्वेंटली उनको सही कंटिन्यूस रख सकते हैं, यानी कि हर एक पार्ट में उतने ही आपके स्पॉट लगेंगे, आपके स्पॉट मिस नहीं होंगे। अगर इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो वो स्पॉट मिस होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेल्डिंग गन की। तो वेल्डिंग गन में क्या क्या रखना है आपको, इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शुड नॉट बी वार्म आउट, इंसुलेशन का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कट ऑफ हीटर ना हो। ठीक है, इलेक्ट्रोड टिप ड्रेस की अगर हम बात करें तो जो टिप है वो नो गो गेज अवेलेबल होनी चाहिए वहां पे, यानी कि या मार्किंग होनी चाहिए आपको कहां तक उसको जो है यूज करना है। ठीक है, वाटर इनलेट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम जो है वाटर इनलेट टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर फ्लो मीटर की अगर हम बात करेंगे तो नो ब्लॉकेज इन पाइपलाइन, यानी वाटर फ्लो जो होता है वो नो ब्लॉकेज इन पाइपलाइन, यानी जो मशीन को जो कूलिंग प्रोवाइड करता है वाटर, वो उसमें किसी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपके इलेक्ट्रोड है, सैंक है, वो हीट होके पिघल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेशन एंड ऑपरेटर की, तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेशन है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, वहां पे आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए स्टेशन की कि कौन सा स्टेशन आपका मारुए है। ठीक है, और वहां पर एक बोर्ड भी क्रिटिकलिटी का लगा होना चाहिए। ओके, मारुए स्टेशन के कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको बिल्कुल प्रॉपर चेक करने हैं। ठीक है,
तो ऑपरेटर, ऑपरेटर में आपका परमानेंट और कैजुअल दो प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि आप जहां पर आप देखते होंगे तो वहां पे हमेशा परमानेंट ऑपरेटर जो है वो वहां पे डिप्लॉय होना चाहिए और उसकी जो प्रॉपर स्किल मैट्रिक्स बनी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटर बैकअप, ऑपरेटर बैकअप मस्ट है, क्योंकि अगर मान लो इन दैट केस कि ऑपरेटर जो पहले आपने लगा रखा है वो हेल्थ इश्यू हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसके केस में आपके पास जो है बैकअप होना चाहिए उस ऑपरेटर का, ठीक है, और उसकी भी प्रॉपर स्किल मैट्रिक्स होनी चाहिए। बैच कोड आपका वहां पर प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि शुड बी प्रेजेंट एंड विजिबल इन व्हीकल असेंबल कंडीशन। जो आप बैच कोड आप पार्ट में लगाएंगे उसकी जो वो विजिबल होना चाहिए और दिखना चाहिए, ठीक है। वर्क स्टार्टअप चेकशीट, जो अगर हम बात करेंगे कि जो भी आप काम करते हैं वहां पे उसकी चेकशीट होनी चाहिए कि कैसे आप काम करते हैं, WIS की बात करेंगे तो वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। FOLOA का नगेट डाया जो है वो वेरीफाई होना चाहिए और वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है, और एक्चुअल पार्ट में, यानी कि अगर हम बात करें किसी भी पार्ट का, अगर आप FOLOA करते हैं तो आप वहां पर नगेट को वेरीफाई करके आप एक्चुअल पार्ट पे उसकी वैल्यू को मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें नगेट टेस्टिंग आफ्टर चेंज ओवर, तो ये शुड बी डन एंड रिकॉर्डेड। अगर हम बात करें कोई भी चेंज ओवर लेते हैं आप, तो जो नगेट है वो टेस्ट करेंगे आप और उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ गन फिक्चर, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए, जो आपके गन में जो भी अब प्रॉब्लम आती है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अगर वो रिकॉर्डेड नहीं होगी तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर बार बार कोई प्रॉब्लम रिपीटेड होगी तो उससे आप एक जो है वो एक्शन प्लान सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है मेंटेनेंस का जो गन होते हैं उनका रिकॉर्ड, उनकी जो भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है उनको रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें, एक बोर्ड होता है जिसपे आप अपनी प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि वहां पे डिफेक्ट, पास्ट डिफेक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो चीजें वहां पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे अगर हम फैसिलिटी की, तो फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए वेल्ड चेकर एंड वेल्ड फोर्स चेक करने के लिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वेल्ड चेकर और वेल्ड फोर्स चेक करने के लिए, करंट जो है वो और इलेक्ट्रोड फोर्स को चेक करने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। कूलिंग टावर आपके पास वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए जहां पे SSW लाइन होती है। UTM टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इंटरलॉकिंग ऑन पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हैं, जो भी आप पैरामीटर्स उसमें फीड करते हैं पैनल पे, वो आपके इंटरलॉक होने चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है फैसिलिटी पे, ये चीजें बिल्कुल प्रॉपर में रखना है, ठीक है। सिस्टम, सिस्टम क्या कहता है कि उसमें कार्बन टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। कार्बन टेस्टिंग सिस्टम में जो कार्बन का डाया है वो 6 to 8 mm है, ये प्रेजेंट होना चाहिए, और ये आपकी जैसी आप ड्रेसिंग करते हैं उस टाइम पे भी ये होना चाहिए। उसके बाद आपकी साइकिल टाइम फिक्स होंगी, कितने साइकिल बाद, ये आपको मटेरियल टू मटेरियल, पार्ट टू पार्ट आपका वेरी करेगा, तो ये आपको याद रखना है और ये आपको उसको करवाना भी है, ठीक है। स्टोरिंग ऑफ नगेट डाया चेक पार्ट्स, नगेट डाया जो भी आप चेक करते हैं उनका स्टोरिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर आप पिजन बॉक्स बनवा कर रखते हैं तो वहां पे कम से कम मिनिमम 1 week का आपके पास स्टोरेज होना चाहिए। पिजन बॉक्स आप बनवा कर रख सकते हैं मंडे टू सैटरडे, ओके। इनकेस ऑफ पावर फेल, पार्ट टू बी पुट इन रिजेक्शन बिन, ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बात करें 28 नंबर की, तो इनकेस ऑफ पावर फेल, जब भी आपके पास पावर फ्लक्चुएशन होता है या करंट जाती है, ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो रिजेक्शन बिन में जाना चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर ये पार्ट अगर आपके ओके पार्ट में मिल जाएगा तो स्पॉट का है तो स्पॉट टूट सकता है और नट का है तो नट टूट सकता है, ठीक है। पैरामीटर चेक की बात करेंगे तो क्या क्या आपको पैरामीटर जो है वो चेक करने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको पैरामीटर उसमें चेक करने हैं। तो 29th नंबर पे है करंट, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेल्डिंग करने के लिए, करंट आपको चाहिए ही चाहिए। प्रेशर, जो कि प्रेस करता है इलेक्ट्रोड को जिससे कि आपकी नट या स्पॉट वेल्डिंग जो है वो होती है, ठीक है। वेल्ड टाइम, जिससे जितनी देर के लिए करंट आप फ्लो करते हैं, हमने प्रोजेक्शन वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग से संबंधित एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको सारे पैरामीटर का फंक्शन आपको वहां पे मिल जाएगा, जिसपे आप जाकर के देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी ऐड कर दिया, वो आपको कंप्लीट जो SSW लाइन की जो मशीन है उस पे जो काम करते हैं, जो इलेक्ट्रोड लगते हैं, कैसे क्या वर्किंग है उसकी, क्या फिनोमिना है, साइकिल टाइम क्या होती है, तो वो उसमें हमने सब कुछ डिफाइन कर रखा है, ठीक है। वेल टाइम चाहिए, स्क्वीज टाइम चाहिए, और NDT जो आप चीजल से चेक करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। एक कंडीशन होती है, अगर आप ट्रॉली में पर ट्रॉली एक कर सकते हैं या घंटे में एक बार जरूर आपको करना है मिनिमम 1। अगर कोई आप ट्रॉली भरते हैं तो उसमें आप एक बार कर सकते हैं एक पार्ट की, ठीक है,
और अगर आपके पास ये फ्रिक्वेंसी नहीं है तो आपके पास एक घंटे में एक बार मिनिमम एंटिटी करना ही करना है चीजल से, ठीक है। तो ये चीज आपकी जो है वो स्पॉट वेल्डिंग के केस में ये इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट होते हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आपके पार्ट की जो क्वालिटी है वो बेहतर रहेगी और डिफेक्ट फ्री जो आपके प्रोडक्ट है वो आपके प्रोड्यूस होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।